हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, पृथ्वी की भूपट्टी यानी क्रस्ट, ठीक है, में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है? पृथ्वी के भूपट्टी क्रस्ट में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। क्या होता है Al? इसका परमाणु संख्या होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 होता है, ठीक है। चलिए अगला है, दूसरा नंबर सवाल। किस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तावित किया था? किस वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अगला है तीसरा नंबर सवाल, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतसी नदी है। कौन है? यांगतसी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर, जो चाइना में बहती है, यानी कि चीन में बहती है, ठीक है। कहाँ बहती है? चीन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फोर नंबर सवाल। फोर नंबर सवाल है, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा, ठीक है। चलिए अगला है फाइव नंबर, भूकंप केंद्र के नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के नीचे के बिंदु को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। चलिए अगला है सिक्स नंबर, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई का क्या नाम है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई का क्या नाम है? तो सुंडा गर्त। क्या नाम है? सुंडा गर्त, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। चलिए अगला है सेवन नंबर, सेवन नंबर सवाल है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का क्या नाम है? ठीक है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम मेरियाना ट्रेंच है। क्या है? मेरियाना ट्रेंच। अगला है एट नंबर, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? यानी किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। अगला है नाइन नंबर सवाल, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर, ठीक है। अगला है दस नंबर सवाल, ठीक है, दस नंबर सवाल है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। अगला है 11 नंबर सवाल, वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगला है 12 नंबर सवाल, ठीक है, 12 नंबर सवाल है, ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ओजोन छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है। ओजोन छिद्र, ओजोन, ओजोन क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती है तो ओजोन ही हम लोग को बचाता है, ठीक है। चलिए अगला है 13 नंबर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है शनि ग्रह का एक उपग्रह है, ठीक है, कौन? टाइटन। चलिए अगला है 14 नंबर, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी। चलिए अगला है 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल है, वायु में कौन सा सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाया जाता है? वायु में कौन सा सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो आर्गन, ठीक है, आर्गन जो है सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाया जाता है वायु में। आर्गन का, आर्गन का संकेत होता है Ar। देखिए और निष्क्रिय गैस कितने होते हैं? तो निष्क्रिय गैस 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ठीक है। चलिए अगला है 16 नंबर, संसार का सबसे स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार का सबसे स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर झील जो है संसार की सबसे बड़ी झील जिसमें स्वच्छ जल होता है, ठीक है। चलिए अगला है 17 नंबर, अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो अमेजन नदी जो है ब्राज़ील में बहती है। कहाँ बहती है? ब्राज़ील में, ठीक है। चलिए अगला है 18 नंबर, 18 नंबर है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को
आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। ठीक है, अगला है 19 नंबर, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पिक। क्या है? सैंडल पिक। आज का लास्ट सवाल 20 नंबर, माउंट एवरेस्ट की सब ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। कितना है? 8848 मीटर। चलिए आज के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।